नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपने हेल्थ का और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अपने पॉलिटिकल साइंस जो स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, है ना। क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाला जो चैप्टर है उसको हम समझने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट भाई, इतने कमेंट, मैं क्या भाई मजबूर हो गया वीडियो बनाने के लिए। अभी थोड़ा हिस्ट्री और 11th क्लास की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आप लोगों के कमेंट ने भाई मेरे को मजबूर कर दिया वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर की इसको हम स्टोरी के तरीके से समझने वाले। आपको पता है कि रोशन सर स्टडी पॉइंट में भाई हर एक टॉपिक को एक अलग अंदाज से समझा जाता है, तो हम सबसे पहले स्टोरी की तरह अगर इस चैप्टर की शुरुआत करें तो आज़ादी से हम शुरू करते हैं। देखिए, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उससे एक दिन पहले 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को भारत का विभाजन भी हो गया था, है ना। आज़ादी के बाद से ही भारत में बहुत सारी समस्याएं थी, विशेषकर सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्र निर्माण की समस्या, है ना। उस समय हमारा देश जो था वो 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था। उन रजवाड़ों को एक करने में हमारे जो बहुत सारे नेता थे उन्होंने विशेष भूमिका निभाई, विशेषकर सरदार पटेल, है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे इलाके, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र रह गए थे जिनकी कुछ विशेष प्रकार की डिमांड थी। इसी ने क्या किया, बाद के दशक में, हम यहाँ पे 1980 के दशक की बात करेंगे इस चैप्टर में, 1980 के दशक की बात की गई है कि इसको ना स्वायत्तता के दशक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शब्द है, कुछ इस चैप्टर में कुछ शब्द आपको नजर आएंगे जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं है क्या है, क्षेत्रीय आकांक्षा का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र द्वारा, विशेष क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर या संस्कृति के आधार पर क्या करते हैं, कुछ विशेष अधिकार चाहते हैं, कुछ विशेष अधिकार की मांग करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। आकांक्षाओं का मतलब क्या होता है, इच्छाएं, हमारी खुद की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है। ऐसे ही हमारे देश के बहुत सारे राज्य थे जिनकी कुछ विशेष इच्छाएँ थी, उनकी विशेष आकांक्षाएं थी, उसी को हम क्या, किस रूप में समझ सकते हैं, हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में समझ सकते हैं। अब देखिए, 1980 का जो दशक है वो स्वायत्तता के दशक के रूप में देखा जाता है। स्वायत्तता मतलब क्या होता है, स्वायत्तता का मतलब होता है विशेष अधिकार। बहुत सारे राज्यों ने क्या किया, विशेष अधिकारों की मांग की थी। इसीलिए 1980 का जो दशक है, जो 1980 के दशक का मतलब क्या है, 1980 से लेकर 1990 के बीच का जो पूरा 10 वर्ष का जो गैप है, ये स्वायत्तता के दशक के रूप में देखा जाता है। और बहुत सारे राज्यों में क्या हुआ, विशेष अधिकार पाने के लिए वहाँ के लोगों ने हथियार भी उठाए, मारकाट हुए, बहुत सारे लोगों को हिंसक मारकाट का सामना करना पड़ा, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो देखिए, स्वायत्तता की जो ये मांग 1980 के दशक में उठा, तो हमारे भारतीय सरकार ने क्या नीति अपनाई, भारतीय सरकार का नज़रिया क्या रहा। आपको पता है कि भाई हमारे संविधान में भारत को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। यहाँ पे हमने क्या किया, संविधान में सभी धर्म, सभी जाति, सभी के वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं, सभी के लिए बराबर अधिकार बनाए गए हैं, है ना। यहाँ पे ये नहीं है कि हम किसी एक क्षेत्र को नज़रअंदाज कर दें। जैसे कि हम अगर बात करें तो भारत क्या है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत में अलग अलग धर्म, अलग जाति, अलग वर्ग के लोग रहते हैं, है ना। हर क्षेत्र में आपको विविधताएं नजर आ जाएगी, मतलब कि सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा है भारत में। तो भारत में ना सांस्कृतिक विविधता को ना खतरा नहीं माना जाता देश के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम यूरोप के देशों की बात करें तो यूरोप के देशों में सांस्कृतिक विविधता को देश के लिए, देश की एकता के लिए खतरा माना जाता है। लेकिन हमने क्या किया, विविधता को लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से एक तरीके से हल करने की कोशिश की है और सभी क्षेत्र की विविधता को हम क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। और भारत के जो क्षेत्रीय दल है उनको भी अधिकार दिए गए हैं कि वो किसी विशेष क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं, है ना, किसी विशेष क्षेत्र की समस्या को उठा सकते हैं, केंद्र सरकार के सामने ला सकते हैं, अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। तो ये सारे अधिकार क्षेत्रीय दलों को भी मिले हुए हैं। तो ये यहाँ पे भारत में क्या है, भारतीय सरकार का नज़रिया क्षेत्रीयता को या किसी क्षेत्र विशेष के महत्व को मतलब नज़रअंदाज करने का नहीं है, बल्कि हम सबको एक साथ मिला के चलने की नीति को अपनाते हैं। तो आपको पता है कि आज़ादी के बाद भारत में बहुत सारे क्षेत्र को लेकर तनाव की स्थिति देखने को मिलता है। सबसे पहले हम भारत पाकिस्तान की बात कर ले, आज़ादी के तुरंत बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। इसी के तहत अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर के बहुत सारे भाग हैं जो कि भारत से अलग होना चाहते थे, है ना। तो इसमें से नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्य हैं जो कि भारत से अलग होने की मांग कर रहे थे। इसी के अलावा अगर हम दक्षिण भारत में जाए तो द्रविड़ आंदोलन चला, द्रविड़ आंदोलन के तहत एक अलग राष्ट्र की मांग वहाँ भी उठने को मतलब देखने को मिलता है।
इसके साथ आप देखेंगे कि अलगाववादी आंदोलन चले, जिसमें जिसके तहत बहुत सारे राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने की मांग की गई। आपको पता है जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे ही आंदोलन के परिणाम है, जो कि भाषागत आधार पर बनाए गए राज्य के परिणाम है। और बहुत सारे मतलब जगह है उनके टुकड़े भी हुए। दक्षिण भारत के कुछ विशेष हिस्से जैसे कि हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आंदोलन चले हैं। इसी तरीके से हम पंजाबी भाषी लोगों की बात करें तो पंजाबी भाषी लोगों ने क्या किया, मतलब पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों ने क्या किया, अपना एक अलग राज्य बनाने की मांग की। और इसी के तहत 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम के दो राज्य बने, ठीक है। बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्यों का गठन हुआ, है ना। तो विविधतापूर्वक जो हमारे जो समाज है, हमारा जो देश है, वो विविधताओं से भरा हुआ है। और इन विविधताओं की जो चुनौती है, उसका सामना करने के लिए क्या किया, भारत की सीमाओं का पुनः निर्धारण किया गया है, ठीक है। विविधताओं से निपटने के लिए हमारे देश की सीमाओं को कई बार बदला गया है। सो गाइस, अब हम कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसको हम समझेंगे, काफ़ी लंबा टॉपिक रहने वाला है। और आपके बुक में एक स्टोरी के तरीके से चीज़ें समझाई गई है, तो मैं भी आपको NCERT बुक से ही चीज़ें बताने वाला हूँ, बाहर से कोई चीज़ें नहीं बता रहा। विशेषकर यहाँ पे हम धारा 370 के संदर्भ में इसकी बात करने वाले हैं। आपको पता है कि धारा 370 को अब जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है, तो वहाँ से कुछ नई चीज़ें भी आपको इस टॉपिक में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम आप बात करते हैं, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है, शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही, है ना। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में तीन राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं। सबसे पहले है जम्मू, उसके बाद है कश्मीर, और उसके बाद है लद्दाख। हम तीनों की विशेषता की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कश्मीर की बात करते हैं, तो भाई कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है, ठीक है। जो कश्मीर घाटी है उसको कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है, और यहाँ पे ज़्यादातर कश्मीरी बोलने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, जो कि ज़्यादातर क्या है, मुसलमान है, इस्लाम धर्म को मानते हैं। कश्मीरी भाषी लोगों में अल्पसंख्यक हिंदू भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जम्मू की बात करें, वो तो कश्मीर की बात होगी, अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाके शामिल हैं, और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख और बहुत सारे धर्मों को और दूसरे धर्मों के मानने वाले लोग भी यहाँ पे रहते हैं। तीसरा क्षेत्र है आपका लद्दाख। लद्दाख की अगर हम बात करें तो पूरा पर्वतीय इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पे बौद्ध और मुस्लिम ये दो धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आबादी काफ़ी कम है, ज़्यादा आबादी यहाँ की है नहीं। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो समस्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में समस्या के प्रमुख कारण रहा है, और ये जो समस्या है आज़ादी के बाद से ही शुरू हो जाता है। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राजशाही था। आपको पता है कि यहाँ पे हिंदू शासक हरि सिंह का शासन था, ठीक है, और वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य बने, भारत और पाकिस्तान से दोनों से अलग होके एक अलग राज्य बनाने की मांग वो कर रहे थे, एक अलग देश बनाने की मांग कह रहे थे। आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कौन मांग कर रहे थे, हरि सिंह, ठीक है, अलग होना चाहते थे वो। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस पर अपना हक जताता था, है ना। क्यों जताता था, क्योंकि उसको लगता था कि भाई यहाँ के ज़्यादातर जो आबादी है वो मुस्लिम है, और इसलिए इसको हम अपने देश में मिला लेंगे और वहाँ के लोग भी इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी सोच कुछ अलग थी, वो अपने आप को हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी बाद में पहले अपने आप को कश्मीरी मानते थे, है ना, कश्मीर को दिल से चाहते थे वो। और यहाँ एक पार्टी है जिसका शासन, मतलब जो यहाँ पे जन आंदोलन जो हो रहा था उसका नेतृत्व कर रही थी, उसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसके उस समय सबसे जो हेड थे वो है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला मतलब उस समय काफ़ी फेमस नेता थे, और ये पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी, और शेख अब्दुल्ला जो है वो भारत के कई राष्ट्रवादी जो नेता है, जो राष्ट्रीय मतलब नेता है, उनकी मित्र भी रह चुके थे, विशेषकर नेहरू के भी मित्र थे। अब देखिए, अक्टूबर 1947 में ही क्या होता है, पाकिस्तान ने कुछ घुसपैठियों, मतलब बहुत सारे घुसपैठियों को भारत में भेज दिया कश्मीर पर कब्जा करने के लिए। अब उस समय हरि सिंह को कुछ सूझा नहीं, महाराज हरि सिंह ने क्या किया, भारत से मदद मांगी, क्योंकि भाई उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उन्होंने भारतीय सेना से मदद मांगी कि भाई वो क्या करे, इन घुसपैठियों का सामना करने में कश्मीर की हेल्प करे, है ना। भारत ने क्या किया, सैन्य मदद दिया। लेकिन इससे पहले भारत सरकार ने क्या किया, महाराजा जो हरि सिंह थे उनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी करवा लिया। मतलब एक विलय पत्र, आपको पता है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको हम बोलते हैं, उस पर हस्ताक्षर करवा लिया गया, यानी कि जम्मू कश्मीर अब भारत का ही अभिन्न अंग होगा। केंद्र सरकार जो भारत इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया, एक सहमति जताई थी कि स्थिति जब सामान्य हो जाएगी, युद्ध मतलब जो हो रहा था पाकिस्तान के साथ जो हुआ था वो जब रुक जाएगा, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, एक जनमत संग्रहण करवाएंगे, जनमत सर्वेक्षण करवाएंगे, जिसके माध्यम से ही जम्मू कश्मीर की जो नीति है उसका निर्धारण किया जाएगा, वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या उससे अलग होना चाहते हैं वो वहाँ के जनता निश्चित करेंगे। तो मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर के
प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री यानी कि एक तरीके से आप मुख्यमंत्री समझ सकते हैं। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया और जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। आपको ये बात मालूम होगा, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते भी हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा धारा 370 की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि धारा 370 और 371 इसके तहत जम्मू कश्मीर को ना विशेष राज्य की दर्जा दी गई है, जिसके मतलब दी गई थी ऐसा बोलेंगे, दी गई है ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है, तो दी गई थी। और इसके अंतर्गत क्या था कि भाई जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, अपना झंडा था, है ना। और जितने भी विधान मतलब जो हमारी विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाए जाते थे, जो संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते थे, वो भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था जब तक कि वहाँ की सरकार इसको मान्यता ना दे दे, सरकार इसको लागू ना कर दे, है ना। ऐसा कुछ रूल वहाँ पे था, सरकार की सहमति से ही मतलब जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति से ही वो कानून वहाँ पे लागू हो सकता था। तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि भाई धारा 370 की वजह से ना जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत से नहीं जुड़ पाया और धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर भी अन्य राज्यों की तरह हो जाए, भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों की भी कुछ शिकायतें हैं, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1947-48 के समय, जो माहौल ख़राब हो गया था, जो घुसपैठिए जब जम्मू कश्मीर में हमला किए थे, तो उस समय भारत की सरकार ने वादा किया था कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो क्या करवाएंगे, जनमत संग्रह करवाएंगे, लेकिन ऐसा करवाया नहीं गया, है ना। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि धारा 370 के जो प्रावधान है वो पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है भारत में, मतलब सही से इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। तीसरी शिकायत यह है कि भाई जिस तरीके से दूसरे राज्यों के साथ इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, बर्ताव करती है, लोकतंत्र को वहाँ पे अमल में लाया जा रहा है, उस तरीके से जम्मू कश्मीर में ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं की गई है। तो ये शिकायतें वहाँ के लोगों से है। तो देखिए, मोदी सरकार ने क्या किया, 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया है। तो अब ये क्या है, जम्मू कश्मीर जो है और लद्दाख, ये दो केंद्र शासित प्रदेश है, है ना। जिसमें से अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू और कश्मीर के पास क्या है, अपनी खुद की विधानसभा होगी, है ना। लेकिन लद्दाख क्या है, बिना विधानसभा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश बना है, मतलब पूरी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पे विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होगा, ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब आगे की कुछ स्टोरी की हम बात कर लेते हैं। देखिए, उसके बाद आपको ना जम्मू कश्मीर वाले टॉपिक में कुछ चीज़ें और बता रखी है कि किस तरीके से केंद्र सरकार और जो जम्मू कश्मीर में जो मतलब जो सरकार है, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सत्ता को लेकर छीना छपटी होती रही और संघर्ष भी होते रहे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे भाई भारतीय सरकार द्वारा बनाए गए बहुत सारे कानून जो प्रावधान है वो लागू नहीं होते थे आसानी से। तो इस कारण कई बार वहाँ पे क्या होते रहे, संघर्ष होते रहे सत्ता को लेकर, जिसमें आपको पता है कि शेख अब्दुल्ला सबसे पहले, उसके बाद उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला भी सत्ता को संभालेंगे। तो इसके बारे में पूरी कहानी बता रखी है, थोड़ी सी कहानी आपको बता रखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कहानी को खुद से रीड करेंगे, एनसीईआरटी बुक में बता रखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं वो चीज़ें, एग्जाम में बहुत कम चांस है कि वहाँ से चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन आप लोग उसको एक बार रीड जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में हम पंजाब वाले टॉपिक को समझेंगे, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करें, बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।